कहते हैं, कैबिनेट मिनिस्टर से कहते हैं तो उनकी आंखें नम हो जाती हैं। वो सब कुछ हमने देखा है और मैं ये समझता हूं कि आज उनके प्रति आभार व्यक्त करने के लिए हम सब दिल्ली के लोग आए हैं। उनका सपना है कि भारत को 2022 तक नया भारत बनाना है। भारत की राजधानी दिल्ली को दुनिया की सबसे पवित्र, सबसे ज्यादा शानदार, सबसे ज्यादा खूबसूरत ऐसी राजधानी बनाना है जिसमें किसी के चेहरे पर कोई दुख नहीं होगा, किसी के चेहरे पर तकलीफ नहीं होगी, हर एक के लिए घर होगा, हर एक के लिए बिजली होगी, साफ पानी होगा, सब प्रकार की शिक्षा की, स्वास्थ्य की सुविधा होगी। राजधानी के अंदर हर बहन के लिए सुरक्षा की व्यवस्था होगी, बुजुर्ग के स्वाभिमान की रक्षा होगी, ये सब कुछ होगा। और मैं ये समझता हूँ कि ऐसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को शत शत प्रणाम करने के लिए हम यहाँ आज इकट्ठा हुए हैं। आज आपको याद दिलाना चाहता हूँ कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में केवल छह महीने पहले नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो आज शासन कर रही है दिल्ली के अंदर पार्टी, इसको हमने पहले कॉरपोरेशन में हराया, उसके बाद दिल्ली के अंदर लोकसभा के चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 70 में से 65 सीटों के ऊपर हमने आम आदमी पार्टी को हराया था। और उसके बाद से आपने देखा कि अचानक इनकी नींद खुल गई, अचानक इनको ध्यान में आया कि 70 वादे किए थे, एक भी वादा पूरा नहीं किया। और फिर 5 महीने से लगातार हम कर रहे हैं और ये सिद्ध हो गया है इससे कि हमारी पार्टी केवल मुसलमानों के साथ है। हम हमेशा ये कह रहे हैं कि हम मुसलमानों के खिलाफ नहीं है। हमारे प्रधानमंत्री बार बार कह रहे हैं, हमारे अटल जी ने इसी प्रकार का व्यक्तित्व सारे देश के सामने रखा। लेकिन ये कांग्रेस पार्टी और आम आदमी पार्टी, ऐसा लगता है कि ये शायद हिंदुओं की विरोधी है। इनको उन हिंदुओं की चिंता नहीं है जिनको पाकिस्तान के अंदर सब प्रकार से तकलीफ दी गई, जिनको बांग्लादेश के अंदर तकलीफ